और हाँ दीप, आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान, नागपुर की बात निकली तो मैं बता दूं, एक और बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वैभव सांगवी साहब। अरे हाँ, और अब इनका इंटरव्यू आप करेंगे, पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि कल मेरे साथ थे। अच्छा नागपुर में हमने जो शो किया, मैं, नेहा और वैभव सांगवी साहब थे, तो मैंने तो कल सारा सुन लिया सर को। हाँ, मुझे सब पता है, निकाल लिया। हाँ, निचोड़ लिया। कल हमने काफी, हमने 1.5-2 घंटे शो किया था, तो हमारी तो काफी गपशप हुई, और जो सर का कहना था वो मुझे पता भी है। तो अब आज आप इंटरव्यू करो, डन सर, ताकि हम नया रहेगा। नहीं तो मैं सोच, अरे ये तो पूछा हुआ है, अरे ये तो पूछा हुआ है। तो आइए स्वागत किया जाए हमारी खास सीरीज चुनाव और बाजार। तो आइए स्वागत करते हैं वैभव सांगवी साहब का। वैसे तो कल अनिल जी से बात भी हो रहे थे, आज खेत सॉल्यूशंस के सीईओ एंड एमडी भी हैं सर, और ऑफ कोर्स मैं तो बात करने वाला हूँ, अनिल जी भी हैं हमारे साथ, चिंता मत करिए, कहीं नहीं गए हैं सर। बट सर आपसे ये जानना था, कल और आज में एक बड़ा बदलाव तो नहीं, हो गया। नहीं, पहले कल का पूछो। अच्छा बताओ। पूछो, आप पूछो पहले। पहले तो बताएं कल का आपका इवेंट कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? बहुत ही बेहतरीन इवेंट था, और जनरली हमारे अल्मा माटर में हम जा रहे थे इन टर्म्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स समिट में, तो इट वाज इवन बेटर। और जिस हिसाब की इंटरेस्ट देखी हमने नागपुर एज अ मार्केट में, इट वाज जस्ट फिनोमिनल। सो बहुत ही अच्छी इवेंट। एज यूजुअल अनिल जी वाज यू नो इन टर्म्स ऑफ हिज विटी बेस्ट, एंड एट द सेम टाइम वो क्लब करते हैं उनका निचोड़ इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वाज वेरी फिनोमिनल। सो बहुत ही बेहतरीन इवेंट रहा, काफी अच्छी इंटरेक्शन भी दीप, ऐसा नहीं है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। जो जो आसान सवाल आ रहे थे वो मैंने ले लिए, जो मुश्किल थे मैंने सर वैभव सर की तरफ, रही वैभव सर जवाब दीजिए। तो इसलिए ज़्यादा अच्छे अपने जो समझदार लोग उनको साथ में ले जाने का ये बड़ा फायदा होता है। तो मुश्किल मुश्किल सवाल सारे वैभव सर ने दिए जवाब उनके। अब आप पूछिए ज़्यादा मुश्किल सवाल। नहीं, मुश्किल सवाल तो अनिल जी यही पूछना था कि कल कल तो खैर आपने बात करी, बट कल और आज में एक फर्क हो गया है कि कैबिनेट का शपथ ग्रहण हो गया है। ऑफ कोर्स बाजार क्लोजली वॉच कर रहा है कि किस तरह से मिनिस्ट्रीज का अलॉटमेंट किया जाएगा, कौन नए फाइनेंस मिनिस्टर या फिर सीतारमन जी कंटिन्यू भी करती हैं। बट आपका क्या सेंस मेक कर रहा है, नई सरकार आ चुकी है, नया कैबिनेट आ रहा है, आगे बाजार और ये जो इकोनॉमी का एक क्लोज लिंक होता है कैसे डेवलप होगा सर? सी आई थिंक जब हम लास्ट 10 ईयर्स के हिस्ट्री में देखते हैं कि जिस हिसाब से जो पॉलिसीज रिफॉर्म्स और मेजर्स रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि काफी फेर बदल होगा फ्रॉम अ डायरेक्शन परस्पेक्टिव। हमें लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस सप्लाई साइड पे कंटिन्यूड रहेगा, एट द सेम टाइम कि फिस्कल डिसिप्लिन भी साथ में इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ये दो मुख्य पैरामीटर में हमें नहीं लगता है कि कोई ज्यादा चेंज होना है। ऑफ कोर्स थोड़ी फेर बदल होगी फ्रॉम अ कंजम्पशन साइड, जहां वो पुश कर पाए और थोड़ा मनी इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी रोल आउट कर पाए, बट वो कैसे करेंगे वो लेट्स वेट एंड सी। एक बार 100-day plan की ज्यादा डिटेल मिले उसके बाद, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस हमें नहीं लगता कि ज्यादा फेर बदल होगा। और इनफैक्ट अगर फेर बदल नहीं ज्यादा होता है तो मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, यू नो एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। चलिए तो देखते हैं, अगर स्टेबिलिटी रहती है, ज़्यादा फेर बदल नहीं रहता है, तो फिर आगे जाकर अच्छी ही मूव रहेगी। बजट पर भी अब सर फोकस बनेगा, करीब 1 महीने में नया बजट भी आ जाना चाहिए। क्या कुछ मार्केट चाहेगा इस बजट से सर? मार्केट्स थोड़ा मायोपिक देखता है हमेशा, और देखता है हमेशा कि हमारे लिए और कैपिटल मार्केट्स के लिए क्या है। बट जब हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं फ्रॉम बजट परस्पेक्टिव, एक बहुत ही मुख्य नंबर देखेंगे कि जो वोट ऑन अकाउंट में फिस्कल डेफिसिट का नंबर देखा था अपन ने 5.1 के करीबन, और उसका ग्लाइड पाथ ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स का अगर हम इंडिकेशन देख सके तो उससे काफी एनकरेजमेंट होगी बोथ डोमेस्टिक और ग्लोबल निवेशकों में। एट द सेम टाइम आई थिंक जिस हिसाब से सप्लाई साइड केपेक्स की जो नंबर है वो भी एक फोकस में रहेगी। लास्टली फ्रॉम कैपिटल मार्केट परस्पेक्टिव, ऑफ कोर्स कैपिटल गेन्स एक ऐसा यू नो टॉपिक रहता है जो हमेशा सबकी नजर रहती है उसमें। सो वो एक यू नो एक्स्ट्रा फोकस में रहेगा। और ऑफ कोर्स जहां जहां भी टैक्स आर्बिट्राजेस हैं जैसे आर्बिट्राज फंड्स में, वो भी एक
क्लोजली वॉच करेंगे यू नो फ्रॉम ओवरऑल इन्वेस्टर यू नो कम्युनिटी एज वेल। सर कंजम्पशन की बात अब हो रही है, एक तो कोलिशन की तो खैर हर बार सरकार रहती है बट इस बार ज्यादा इस पर फोकस है क्योंकि बीजेपी की पूरी मेजोरिटी नहीं है, बट कंजम्पशन थीम अब निकल कर आ रहा है और हमने देखा कि इस रिकवरी में कंजम्पशन का भी बड़ा योगदान रहा है। क्या यहाँ पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत बनती है आगे जाकर, क्योंकि रूरल डिस्ट्रेस की बात निकल कर आई है इलेक्शन आउटकम के बाद, तो वहां पर क्या ज्यादा सरकार का फोकस रह सकता है? See, one that I completely you know, not don't understand कि rural districts की अगर हम बात करते हैं तो rural focus states में भी उसका असर दिखना चाहिए था हमें, वो अब जो हमने नतीजे देखे वो pockets में lesser than expected था। So I am not saying कि across the board rural districts है, साथों साथ जिस हिसाब से monsoons हुए हैं I think और monsoons के expectations है तो मुझे लगता है कि वहाँ रिवाइवल एमिनेंट है। लास्टली कि अगर हम कंज्यूमर स्टेपल्स और डिस्क्रेशनरी दोनों स्टेपल्स स्पेशली की बात करते हैं तो लास्ट वन एंड हाफ टू इयर्स में काफी अंडर परफॉर्म किए हुए हैं जहां वॉल्यूम ग्रोथ में हमने प्रेशर्स देखे हैं। गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि यहाँ रिकवरी आ सकती है और हमें ये भी लगता है कि जो वैल्यूएशंस के हिसाब से हैं तो राउंड अबाउट एवरेज वैल्यूएशंस और लेसर देन एवरेज वैल्यूएशंस पे है। सो एक ट्रेडिंग पॉप और प्रॉब्लम मीडियम टर्म पॉप पॉसिबिलिटी है इसमें मिलने का। और लास्टली हमें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में खास करके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक ऐसा सेक्टर लगता है कि जहां थोड़ी एक्टिविटी गोइंग फॉरवर्ड भी बेटर हो सकती है, तो इस हिसाब से हम कंज्यूमर सेक्टर को देखेंगे। और कुछ भी बदलाव जो सर इस समय पोर्टफोलियो में करने चाहिए जो आपको लग रहे हैं कि आगे जाकर बेटर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं? See, I think, जैसे मैंने कहा जो फोकस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि इन देयर स्पीचेस कि सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन एनर्जी, यू नो केपेक्स ड्रिवन डिफेंस, ये सब में कंटिन्यूड रहेंगे। सो ये सेक्टर्स में यू नो ज्यादा वोलेटिलिटी का ध्यान नहीं रखते हुए अगर लंबे समय तक हम कुछ निवेश कर सके तो ये सेक्टर्स श्योरली यू नो ठीक लगेंगे। सो ओवरऑल इंडस्ट्रियल, कैप गुड्स, इंफ्रा, ये सेक्टर्स कंटिन्यूड रहेंगे। साथ में कंज्यूमर्स में भी थोड़ी रिकवरी आ सकती है अलोंग विद सम रूरल डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबल्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अंडरस्टूड सर। ग्लोबल डेवलपमेंट्स में लगभग हम हर बार देखते हैं कुछ ना कुछ डेटा आता है, उससे यूएस फेड की या तो रेट कट की उम्मीद बढ़ती है या घटती है। अब फिर से फ्राइडे के डेटा के बाद उम्मीद घट गई है, बट हमारे गवर्नर साहब ने एक इंटरेस्टिंग कमेंट दिया था सर फ्राइडे की अपनी स्पीच में कि हम यूएस फेड पर डिपेंड नहीं करते हैं, हम अपने डेटा पर डिपेंड करते हैं, जब हमें लगेगा हम रेट कट करेंगे। क्या आगे रेट कट की संभावना दिख रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को बढ़ाया नहीं है, उसी लेवल पर स्टेबल रखा है गवर्नर साहब ने? नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक वो बहुत ही एनकरेजिंग स्टेटमेंट था फ्रॉम दी यू नो फ्रॉम दी आरबीआई गवर्नर। सो हम जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, ऑफ कोर्स फ्रॉम अ ग्लोबल परस्पेक्टिव हम देखें तो काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि एक बात जो हम देख रहे हैं कि फेड का इकोनॉमिक डेटा बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, साथों साथ हम देखें कि बैंक ऑफ कैनेडा, ईसीबी और चाइना में कूलिंग ऑफ हो रही है। स्पेशली हमने रिसेंट लास्ट वीक में देखे तो बैंक ऑफ कैनेडा और ईसीबी ने रेट कट भी किए हुए हैं। सो बहुत ही मिक्स सिग्नल आ रहे हैं फ्रॉम अ ग्लोबल परस्पेक्टिव, और ऐसे सिचुएशन में अगर फेड यू नो काफी कंफ्यूज दिखे इन टर्म्स ऑफ हर वीक में अगर समझो डेटा ऊपर नीचे हो रहा है तो मार्केट्स की प्रोबेबिलिटी ऊपर नीचे हो रही है। आई मीन इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट समथिंग जैसे मार्केट में ट्रेडिंग हो वैसे, राइट, जनरली ऑन ओवरऑल बेसिस। सो पॉइंट टू बी टेकन नोट हियर इज बेसिकली येस, व्हाइल ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ी वॉलिटिलिटी है बट लोकल में अगर इन्फ्लेशन ठीक रहेंगी और रीजनेबल रियल इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे सो आई थिंक देर इज स्कोप ऑफ सम अमाउंट ऑफ कट्स यू नो इन द रेट्स। बट अगर आप मुझे कहे कि काफी ज्यादा रेट कट हो सकती है, नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज थोड़ा डिफरेंशियल हमें यूएस और इंटरेस्ट रेट्स में हमेशा यू नो रखना पड़ेगा इन दैट सेंस। ऑलराइट, तो चलिए एक संभावना तो है, उम्मीद तो है रेट कट की, देखते हैं कब इस पर एक्शन आएगा। बट बहुत बहुत शुक्रिया वैभव सांघवी साहब आज हमें वक्त देने के लिए, कल ऑफ कोर्स हमारे इवेंट में आप शामिल हुए उसके लिए भी, और आज सुबह भी आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू देने के लिए। तो ये था आपका बाजार पर व्यू, आस्क हेड सॉल्यूशंस के सीईओ एंड एमडी वैभव सांघवी साहब की तरफ से। इस बीच उतार चढ़ाव वाला बाजार दिख रहा है।